अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज तीसरा दिन हम लोग का यहाँ पे अजमेर में, और आज हम लोग जा रहे हैं ऊपर तारागढ़ पे। ख्वाजा की छठी है इसलिए आज इतनी भीड़ है, इतनी गर्दी है। आप देखो कितनी भीड़ है आज, माशाल्लाह। सब ख्वाजा की छठी के लिए आए आज। और हम लोग ने तारागढ़ चढ़ना शुरू कर दिया है। हम लोग ऊपर आ चुके हैं, आधा रास्ता पहुंच चुके हैं। बहुत थक गए हैं अभी फिलहाल। कितना मस्त व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है।
अभी हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। अभी हम लोग एक छोटी सी बीच में दरगाह पड़ी है, आगे आके देख लो भाई, ये ग्यारहवीं शरीफ की देख है, ग्यारहवीं शरीफ के नाम का लंगर मुराद का बोला बदला यहाँ पे पैसा डालना न डालना आपकी मर्जी की बात है, हम लोग आ चुके हैं तारागढ़ पे ऊपर चढ़ चुके हैं और दरगाह के अंदर आ चुके हैं, दरगाह पहुंच चुके हैं तारागढ़ की। ये देखिए तारागढ़ की दरगाह है, 4 बज गए हम लोग को, 12 बजे हम लोग निकले थे सुबह तारागढ़ पे चढ़ने के लिए, 4 बज गए। वैसे 2-3 घंटे का रास्ता है लेकिन बहुत हम लोग थक गए थे इसलिए आराम से बैठ बैठ के हम लोग चढ़ रहे थे, इसलिए हम लोग को इतना टाइम हो गया, 4 घंटा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के अभी दरगाह के लिए आए, दरगाह की ज़ियारत करने। रास्ता वगैरह भी यहाँ पे है माशाल्लाह। हाँ चलो चलो, ये अभी बहुत सारे यहाँ पे लंगूर बंदर भी थे, पता नहीं किधर चले गए, बहुत सारे लंगूर बंदर यहाँ पे बैठे हुए थे। अभी आएंगे तो वापस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इधर अभी बैठे हुए 2 बंदर मिले, लंगूर बंदर यहाँ पे, एक इधर है, पहले बहुत सारे थे अभी 2 लंगूर बंदर ही बचे हैं। ये भाग रहा है, खाना के लिए निकले आया था ये। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर दरगाह के, हजरत मियां सैयद हुसैन दरगाह आलिया। अभी हम लोग जा रहे हैं नाइटिंग का चोपड़ा देखने, हम लोग कल ही जाने वाले थे नाइटिंग का चोपड़ा देखने तारागढ़ पे चढ़ने से पहले, लेकिन हम लोग को तारागढ़ पे इतना लेट हो गया कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, बहुत लेट हो जाता है, इसलिए अब हम लोग आज जा रहे हैं ढाई दिन का झोपड़ा देखने। आ गए हम लोग, पहुंच चुके हैं ढाई दिन का झोपड़ा, ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर ढाई दिन का झोपड़ा चढ़ रहे हैं। Sir, you can't get it.
ये ऊपर यहाँ से चढ़ के ऊपर है ढाई दिन का झोपड़ा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी बहुत भीड़ है अभी। ये देखिए सीढ़ियों पे पूरा भीड़ है अभी, चढ़ने भी नहीं हो रहा है। ये ढाई दिन का झोपड़ा, बहुत भीड़ है यहाँ पे, काफी भीड़ है। देखो आप इसको ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बताते कि इसको जिन्होंने बनाया था, जिन जो होते जिन्नात होते उन्होंने बनाया था, और इसको ढाई दिन में ये जो जितना भी आप देख रहे हैं सब बनाया था ढाई दिन में, ढाई दिन में ये पूरा बना के तैयार किया था। चले नीचे मत देख, ऊपर देख, सामने वहां देख, वहां बहुत धूप है आज। कहां गया? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी दीवार पे पूरे यहाँ पे आयतें लिखी हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह। ऊपर तक पूरा आयतें लिखी हुई है। यहाँ पे पिलर्स देखो, बाप रे कितने सारे पिलर्स यहाँ पे। देखो एक दो तीन चार, कितने सारे गिनने भी नहीं हो रहे। यहाँ पे नमाज भी होती है, मस्जिद नमाज होती है यहाँ पे। तो गाइस आज मेरा लास्ट दिन था, हम लोग का लास्ट दिन था यहाँ पर अजमेर में, और जितने भी दिन हम लोग गए तीन दिन, बहुत मज़ा आया, मस्ती करा। आज जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी, जाना पड़ेगा। अब हम लोग जा रहे हैं वापस मुंबई अपने घर। गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हम लोग की टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो अभी हम लोग ने फिर बस की टिकट कराया यहाँ से अहमदाबाद की। अभी हम लोग पहले अजमेर से अहमदाबाद जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग को कंफर्म मिल रही है पनवेल तक के लिए कल की। तो यहाँ से आज अभी हम लोग रात में वही स्टे करेंगे अहमदाबाद में, उसके बाद कल जाएंगे फिर से ट्रैवल करके पनवेल मुंबई। बहुत परेशानी हुई यार। तो अभी हम लोग यहाँ पे ढाबे पे कुछ खाने पीने के लिए वॉशरूम वगैरह जाने के लिए रुके हैं, और बहुत ठंडी लग रही है, मज़ा आ रहा है, लेकिन बस का ट्रैवल फर्स्ट टाइम मज़ा आया। ये ढाबा है, होटल है, ढाबा है जहाँ पे अभी हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। ये बस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ठंडी है वैसे तो यहाँ पे अभी, पर मज़ा आ रहा है। बस की ट्रैवलिंग में भी अलग ही मज़ा है।
का भी हम लोग का ढाबे पे खाना चालू है। आज ढाबे का खाना मस्त है, टेस्टी है खाना, मजा आ रहा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अहमदाबाद, गुजरात पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मेरी नानी का घर भी है, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आज दोपहर में या शाम को अभी हम लोग की टिकट कंफर्म होगी, तब हम लोग यहाँ से जाएंगे मुंबई। तब अब आज थोड़ा अहमदाबाद भी देख लेते हैं, मज़ा आएगा, मस्त टूर चालू है हम लोग का। खाना पीना हंस कर जीना, ना कोई फरियाद, जोरदार लोगों का शहर है नाम अहमदाबाद, जीरे जीरे नाम अहमदाबाद, हंसता खेलता शहर है ये तो अलग है इसकी शान, सीधी सैयद की जाली ये इसकी। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद में मेरी नानी के वहाँ, जहाँ पे अभी हम लोग आज रुकने वाले हैं। रात की टिकट हुई है तो रात को हम लोग निकलेंगे, और यहाँ पे मज़ा आ रहा है मस्त। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सालम की दरगाह, क्योंकि हम लोग की रात की टिकट हो चुकी है, इसलिए हम कहीं ज़्यादा जा नहीं सकते, सब दूर है यहाँ पे जगह घूमने की। सालम की दरगाह पास में है, इसलिए हम लोग ने सोचा सालम की दरगाह पे होकर आते हैं। पहुंच चुके हैं अभी सालम की दरगाह पे, और अभी अंदर जा रहे हैं, दिखाता हूं आपको। पलंग पर तो ये मस्जिद है, ये अंदर दरगाह के अंदर ये मस्जिद है, और इसके अंदर बोलते हैं जो सालम साहब जो जिनकी दरगाह है वो बैठा करते थे इस पलंग पर।
फाइनली गाइज हम लोग जा रहे हैं घर पर, टिकट कंफर्म हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, अभी नहीं एक्चुअली सुबह ही पहुंच गए थे हम लोग घर पे, सुबह आ चुके थे लेकिन मैं इतना थक गया था कि मेरी हिम्मत नहीं थी आगे व्लॉग कंटिन्यू करने की। आते के साथ ही मैं सो गया, उसके बाद खाना खाने उठा तो पैर पर फिर सो गया, उसके बाद मैं अभी उठाऊँ शाम को, और इसलिए मैंने अभी ये व्लॉग आके अपना कंटिन्यू किया। और बस हम लोग घूम कर आ गए अजमेर में, इतना ठंडा था वहाँ पे अजमेर में और अहमदाबाद में इतनी ठंडी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे इतना गर्म है अंधेरी में और पनवेल में, बम्बई में इतना गर्म हो रहा है कि बस पूछो मत। और तो आज के लिए इतना ही इस व्लॉग में, आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलेंगे वापस।